गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बी ब्यूटोनी। कैसे हैं सब? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ ये आई मेकअप लुक जो ग्रीन एंड गोल्डन है। तो बताइएगा जरूर मुझे कैसा लगा आपको। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो शुरू करते हैं वीडियो। तो अभी ले रही हूँ मैं ये बायोटिक का मॉइस्चराइजर। इतनी क्वांटिटी में ले रही हूँ जो काफ़ी इनफ है और बहुत ही अच्छा वाला मॉइस्चराइजर है। इसको लगाने के बाद जब फाउंडेशन लगाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा वाला ग्लो आता है। तो अच्छे से इसे मसाज कर लूँगी अपने फेस पे। अब मैं ले रही हूँ NY बे का प्राइमर। तो इस प्राइमर को मैं इतनी क्वांटिटी में लेके एंड पूरे फेस पर, नेक पर, आईज़ पर इसे अब ब्लेंड कर लूँगी अपने लगाकर। नेक एरिए पर भी काफ़ी अच्छा प्राइमर है एंड सिलिकॉन बेस प्राइमर है। तो अब ये ले रही हूँ मैं फाउंडेशन मेबलिन फिट मी 220 मेरा शेड है। तो अपने फेस पर मैं इसे डॉट डॉट करके पूरे फेस पर लगा लूँगी एंड अपने नेक पर भी लगा लूँगी ताकि मेरा जो फेस का कलर और नेक का कलर अलग अलग ना लगे। इसलिए अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। देख सकते हैं अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग में थोड़ा सा टाइम देना है आपको जिससे कि ब्लेंडिंग अच्छे से हो जाए फेस की। फाउंडेशन के धब्बे धब्बे नज़र नहीं आने चाहिए फेस पर, तो इसलिए ब्लेंडिंग अच्छे से होनी चाहिए। थोड़ा टाइम दो लेकिन अच्छे से ब्लेंड करना चाहिए। और देख सकते हैं मेरा जो फेस का फाउंडेशन है एकदम क्लियरली ब्लेंड हो चुका है अच्छे से। अब मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है जो लैक्मी का है। तो अब मैं इसको अपने फेस पर लगा लूँगी पूरे फेस पर। मेरी स्किन ऑयली है इसलिए मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मेरी विंटर सीजन में स्किन ड्राई रहती है एंड समर्स में ऑयली हो जाती है। तो अब समर्स आने लगे हैं तो दैट्स वाई अब मैं ये कंसीलर लिया है। मैंने डार्लिंग इज़ाबेला का ये कंसीलर है जो अब मैं वहाँ लगा रही हूँ जहाँ मेरे हाईलाइट पॉइंट हैं या फिर मुझे ब्लैक है जहाँ पर मेरा एरिया। तो वहाँ मैंने इसको लगा लिया और अपने हाईलाइट पॉइंट्स पर अब इसे ब्लेंड कर रही हूँ मेकअप ब्लेंडर की हेल्प से। देख सकते हो अच्छे से ब्लेंड भी हो गया है। इसको लगाने के बाद तुरंत आपको ब्लेंड करना है अगर आप ये वाला कंसीलर यूज़ कर रहे हो क्योंकि बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो अच्छे से मैंने लगा लिया है। तो अभी ये कंसीलर मैं अपनी आईलेट पे लगा रही हूँ अपने पूरी आईज़ पर क्योंकि मुझे अब आई मेकअप करना है। ज़्यादा सा लगाया मैंने ताकि जो मेरा आई शेडो है वो काफ़ी उभर के और काफ़ी अच्छा नज़र आए। तो दोनों आईज़ पर मैंने लगा लिया अभी और ब्लेंड कर लिया है। अब मैं लगा रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर इसको कंसीलर को सेट करने के लिए ताकि पैची बिल्कुल ना रहे मेरा आई शेडो। इसलिए अब मैंने ये हुडा ब्यूटी का जो ड्यूप पैलेट है उसमें से मैं ये ऑरेंज शेड पिक कर रही हूँ इस फ्लैट ब्रश की हेल्प से एंड अपनी आईलिड पर लगा लूँगी एंड अपनी क्रीज एरिया पर भी। थोड़ा मुझे इसको डार्क कर लेना है एंड अब इस फ्लफी ब्लेंडर ब्रश से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी अपनी पूरी आईज़ पर। इसको अपनी क्रीज लाइन से ऊपर तक इसको ब्लेंड करना है मेरे को। अब मैं ये ले रही हूँ ब्राउन कलर तो इसको मैं अपनी क्रीज लाइन पर लगा लूँगी। थोड़ा डार्क करना है मेरे को इसको तो इसलिए मैं इसको लगा रही हूँ अपनी क्रीज लाइन पर एंड क्रीज लाइन से ऊपर मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी ब्लेंडर ब्रश की हेल्प से। अभी मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट। काफ़ी अच्छा है। इसमें मैंने ग्रीन कलर पिक किया और देखो वाओ कितनी अच्छी पिगमेंटेशन है यार। बहुत अच्छी वाली पिगमेंटेशन है। बहुत अच्छा आई शेडो है। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं इसको खरीद सकते हैं। मैंने लिया इसको फ्लिपकार्ट से। अब मैंने ये हुडा ब्यूटी से ही
ये आई शेडो लिया है जो कि गोल्डन कलर है, जो कुछ सिल्वर टोन में है। तो अब मैं इसको जो मेरी क्रीज लाइन है उस पर मैं ब्लेंड कर लूँगी, सॉरी आई लिड पर मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी ताकि मेरा मेकअप जो है अलग अलग ना दिखे। अब मैंने इसमें से ब्लैक कलर लिया है एंड इसको टैप टैप करके इसको लगा लूँगी अपने आउटर कॉर्नर पर। इसे हल्के हल्के से इसे ब्लेंड करूँगी, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना, सिर्फ कॉर्नर तक ही मुझे रखना है। एंड इससे अब ब्लेंडिंग ब्रश से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी क्रीज लाइन से, देख सकते हैं दोनों तरफ मुझे ब्लेंड कर लेना है। अब ये फ्लैट ब्रश की हेल्प से ही मैं ये ग्रीन कलर पिक किया है मैंने एंड अपनी वाटर लाइन के नीचे नीचे इसको लगा लूँगी। अब ये आईलाइनर लगा रही हूँ मैं जो कि ब्लू हेवन का है, सस्ता भी और काफ़ी अच्छा भी आईलाइनर है, एकदम ब्लैक। तो मैं आईलाइनर लगा लूँगी अपने, मेरे को विंग निकालना है तो विंग लाइनर लगाऊंगी मैं, देख सकते हैं हल्का सा थोड़ा सा मोटा हो गया था तो इसे मैं हल्का सा मोटा हो गया तो इसे सेट कर लूँगी थोड़ा सा अच्छे से। तो अभी सेट कर लिया, अभी मैं काजल ले रही हूँ, NYV का काजल है ये, बहुत अच्छा काजल है, बहुत सस्ता भी आता है एंड बहुत ही क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, स्मज प्रूफ भी है। तो ये लगा लिया, अब मैं ब्लैक कलर एंड ब्राउन कलर मिक्स करके अपनी आईब्रोज फिल कर रही हूँ। वैसे मुझे आईब्रोज पहले करना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, भूल गई थी तो आप कर रही। तो इसको अब मैं फिल कर लूँगी अच्छी तरीके से। मैंने ब्लैक एंड ब्राउन कलर इसलिए मिक्स किया था ताकि मेरी जो आईब्रोज हैं, देख सकते हैं कितना अलग अलग डिफरेंस लग रहा है, ताकि मेरी आईब्रोज नेचुरल लगे। अब मैंने ये ब्लश लिया है, ब्लश अपने फेस पे लगा रही हूँ, ज़्यादा डार्क नहीं लगाना मुझे, लाइट लाइट लगाऊंगी। तो ये ब्रश की हेल्प से मैंने ब्लश लगा लिया है। अभी मैं हाइलाइटर ले रही हूँ जो कि मेकअप रेवोल्यूशन का है, बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, अपनी हर वीडियो में इसकी तारीफ करती हूँ, बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, काफ़ी नेचुरल वाला ग्लो देता है, इसमें बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है। अपने हाईलाइट पॉइंट पे भी मैं इसको लगा लूँगी, अपने क्यूपिड बो पर एंड अपने चिन एरिया पे, नोज़ पर, फोरहेड पर, चिक्स पर, चिक बोन पर। तो अपने फिंगर के हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ अपने नोज़ एरिया पे। तो अभी जो मेरा लिप बाम लगा था उसे मैंने रिमूव कर लिया, अब मैं इसको लगा रही हूँ। वैसे ज़रूरत नहीं थी लिप बाम की क्योंकि मुझे क्रीमी ही लिपस्टिक लगानी थी, लेकिन कोई नहीं, मेरे को ये पसंद है लिप बाम ना, ये बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं इसको ताकि मेरे होंठ जो है एकदम स्मूथ रखे। सॉरी मैं इसको आई लैश मस्कारा लगाना तो भूल गई थी, तो इसलिए मैं अब लगा रही हूँ मस्कारा। तो मस्कारा मैं अपने आईज पे ऊपर नीचे लगा लूँगी एंड अब ये अपनी ब्रो बोन पे मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। तो ये मेरा लुक कम्प्लीट है। ये वीडियो आपके लिए हेल्प रही तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।